हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल सक्सेस। आप देख रहे हैं इस यहाँ पे इस फेयर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट टू इस फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 18 एक्स माइनस 24 वाई माइनस 40 जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 टच एट सेम पॉइंट देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से कौन सा सही होगा यहाँ पे हमको देखना है। तो अब हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने सॉल्व क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये दी हुई है, ये सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, फिर ये एक्स माइनस एल अपॉन एम इजिकल्स टू वाई माइनस एम अपॉन वी और जेड माइनस एन अपॉन डब्ल्यू। यहाँ से टू यू एक्स टू वी वाई टू डब्ल्यू जेड से निकाली हमने यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़। तो यहाँ से सबको टू से डिवाइड करो, तो 18 को टू से 9 आया, फिर 12 आया, 24 को और फिर 40 को जब डिवाइड करेंगे तो 20 आया। ठीक है, इजिकल्स टू के मान लिया, तो यहाँ से जब वैल्यू एक्स की निकाली तो 9 के वाई की 12 के जेड की 20 के आई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन में रख के हमने सेटिस्फाई कराई वैल्यूज़, और यहाँ से के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और के की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में रख दी। तो यहाँ से हमको सारे पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज 2 माइनस 3 4 एंड द रेडियस 5 इज। तो इसमें से कौन सा इस जो है स्फीयर की इक्वेशन होगी, तो हम देखिए किस फार्मूले से लगाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इस दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये देखिए, यहाँ पे हमारी जनरल थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ से नीचे यहाँ पे दी हुई है हमारी जनरल इक्वेशन, और रेडियस का इक्वेशन ये होता है और ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए आप, ठीक है, कैसे इसमें फॉर्मूले में रख के, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये सॉल्व है। ठीक है, एक्स माइनस यू ये सेंटर दिए हैं, देखिए 2 माइनस 3 4, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू की जगह बस रखा है हमने सेंटर, जेड में वैल्यूज़ और रेडियस यहाँ पे इक्वल टू में रखा है, ये हमारी निकल के आ गई है इक्वेशन स्फीयर की। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ स्फीयर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 प्लस जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू। तो ये कैसे सॉल्व होगा हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व है। आप देख सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन दी हमने, इसको खोल दिया है बस, और यहाँ से 2u 2v 2w बस निकालना है। ठीक है, सिंपल सा सेंटर आराम से निकल आएंगे कंपेयर करके, इस ये क्वेश्चन लिखिए इससे कंपेयर करके हमने यहाँ पे जो है सेंटर्स निकाले हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है द प्लेन एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 4 कट द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन अ सर्किल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस फाइंड करनी है, तो ये भी आप देख लीजिए हम कैसे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये देख लिए आप, यहाँ से द स्फीयर ये दिया हुआ है और ये इक्वेशन दी है सर्किल, और यहाँ से सेंटर हमने यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करके, इस ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल लिए हैं यू वी डब्ल्यू। ठीक है, माइनस यू वी डब्ल्यू होते हैं सेंटर, तो माइनस यहाँ से इसीलिए हट गया है और यहाँ पे आ गया है। और फिर यहाँ से सेंटर निकालने के बाद हमने रेडियस यहाँ से निकाली, रेडियस निकालने के बाद हम क्या करेंगे देखिए, अगला स्टेप हमारा होगा ये यहाँ से। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने ये रख लिया फर्स्ट वाली इक्वेशन प्लेन टू में रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और उसमें अंडर यहाँ पे हमने उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी है, अपॉन अंडर रूट सारे मतलब सेंटर्स का स्क्वायर करके ऐड किया है। ठीक है, और ये यहाँ से फिर ये रेडियस निकाली है। ठीक है, आप इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं, आराम से आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द प्लेन टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 12 टच द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एट द पॉइंट। तो यहाँ पे भी पॉइंट बताने हैं। ठीक है, किस पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा, तो ये भी ऐसे
यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट ये क्वेश्चन दी हुई हैं और यहाँ पे हमने पॉइंट से सेटिस्फाई कराया, जितने पॉइंट ऑप्शन में दिए आप सबसे सेटिस्फाई करा लीजिए, जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएंगे वही हमारा सेंटर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आप दोनों में रख के सेटिस्फाई करा दिए, जो दोनों इक्वेशन में इक्वल आ जाएगा वही हमारा सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, द टू स्फीयर ऑफ रेडियाई 3 और 4 कट ऑर्थोगोनली द रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल इज, ठीक है। तो इसमें ऑर्थोगोनली कट करते हैं रेडियस 3 और 4 के सर्किल, तो अब बताना है कि यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, ठीक है, कॉमन रेडियस। तो ये देखिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये आप लोग देख लीजिए। वी नो दैट द टू स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 R2 कट ऑर्थोगोनली, अगर काटते हैं तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे R1 और R2 में दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख के बस फाइंड करनी है, आपका ये आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। द प्यूपिल ऑफ प्लेन LX+MY+NZ इज इक्वल टू पी विद रिस्पेक्ट टू द स्फेयर X² + Y² + Z² इज इक्वल टू A² इज, ठीक है। तो इसमें ये आप फार्मूला टाइप आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है देखिए, और जो है हमारा कानपुर 2019 में पूछा भी गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, द स्फीयर X² + Y² + Z² = 25 and X² + Y² + Z² - 24X - 40Y - 18Z + 225 = 0, ठीक है, ये भी हमारा पूछा गया है क्वेश्चन। टच इज एक्सट्रीमली, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके दे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर X² + Y² + Z² = R² मेक्स इंटरसेप्ट ABC, देन मेक इंटरसेप्ट ABC ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर अगला है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ स्फीयर 4X² + यहाँ से 4 कॉमन है देखिए, जबकि स्फेयर की इक्वेशन में कॉमन नहीं होता है, यहाँ पे हमने आपको ये स्फेयर की इक्वेशन बताई थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कहीं X² + Y² + Z² के साथ में कोई दूसरा कोफिशियंट नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमारा वो जो क्वेश्चन वहाँ पर दिया, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो ये दिया है वहाँ पे 4 जो है ये इनटू में दिया हुआ है, तो इससे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद सेम फार्मूला में रख के जिसे हमने क्वेश्चन किया था, ये फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम आपको बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको कैसे सॉल्व हो गए, ये देखिए यहाँ से कंपेयर करके यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से सारे क्वेश्चन रेडियस का ये फार्मूला होता है, यहाँ से निकाल लिया, ये हमारी R5 आ गई, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ये सेंटर निकालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे डी की जगह, ये लास्ट वाला ये 5 यहाँ पे ये है 5/4 डिवाइड करेंगे, इससे 5/4 हो जाएगा, ये यहाँ से सॉल्व करके ये आ जाएगी हमारी वैल्यूज, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 11th भी सेम इसी टाइप से है, अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके अब तक ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, देखिए अब कब होता है आपका एग्ज़ाम, तब तक के लिए फिर मिलते हैं।